नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और आज है गोवर्धन यानी कि विश्वकर्मा डे। सभी लोगों ने पूजा कर ली होगी, अपनी अपनी गाड़ियों को पूज लिया होगा। और मैं करने जा रही हूँ अपने सामान की अरेंजमेंट। मतलब कल दिवाली थी तो ये देखिए, एक तो ये मेरी चोट लग गई, थोड़ा सा कट गया, वो मैं साड़ी निकाल रही थी। और नीचे मीशू जो है, जब हम पूजा करने जा रहे थे उससे कुछ मिनट पहले, मीशू जो है दिए लेकर, दिए को तोड़ कर और ज़मीन पर लाइनें बनाना शुरू कर दिया था उसने। तो मेरा ध्यान उसकी तरफ हो गया और मुझे ये था कि मैं उसको जल्दी से रोकूं, ये गलत कर रही है। तो मैंने फटाफट से अलमारी का जो शटर है वो लगाने की कोशिश की, तो मुझे यहाँ चोट लग गई और ये कट भी हो गया है थोड़ा सा। चलो देखते हैं, हस्बैंड कह रहे थे कि इंजेक्शन लगवाना चाहिए, लगवाऊंगी, देखती हूँ। कहाँ चोट लगी है बताओ, कहाँ पे कहाँ लगी चोट, कहाँ लगी मम्मी को चोट? अच्छा, किसकी वजह से लगी है? मीशू क्या कर रही थी जिस वजह से लगी है? चोट लग गई है, बताओ सबको, बताओ मम्मा को चोट लग गई है। हाँ अच्छा, जो सेवैयाँ होती हैं उसके मसाले वाली सेवैयाँ बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने प्याज, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है। और साथ में डाला है गोभी, जो बंद गोभी होती है वो, आप चाहें तो मटर गाजर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये डाल दी है सेवैयाँ। सेवैयाँ को डालने से पहले आपको सेवैयों को भूनना पड़ेगा, हल्का रेड करना पड़ेगा। उसके बाद ये बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरे बच्चों को खासकर बहुत पसंद है और चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप इसके साथ हरी चटनी और लाल चटनी दोनों रख सकते हैं। और ये तैयार हो चुका है और देख लीजिए कितना प्यारा कलर आया है मेरी सेवैयों का। और चलिए आप भी खाइए, मैं भी खाती हूँ। बाय बाय।